गाड़ी हमने पार्क कर दी है और एंट्रेंस लेते हैं अभी म्यूज़ियम की तरफ और देखते हैं यहाँ क्या टिकट वगैरह है, तो सब आपको दिखाते हैं। और ये एक पुरानी सी गाड़ी म्यूज़ियम के बाहर, बिल्कुल पुराना स्टाइल दिया है, जैसे डोरी रस्सी वगैरह जैसे होती थी ना सेम, ये उसी तरह का डिज़ाइन दिया है। और नीचे एक कुआँ बना हुआ है आर्टिफिशियल और पानी जो है इस तरह से यहाँ से आ रहा है। और इस म्यूज़ियम का जो टिकट है वो तकरीबन जो है 20 रियाल है और टाइमिंग इसकी 4 बजे से रात 12 बजे तक है। और टिकट हमने ले लिए सबके 20-20 रियाल के और बच्चे अब यहाँ से जो है एंटर होंगे इस म्यूज़ियम में ताइफ के और देखते हैं अंदर क्या है। कह रहे हैं 100 साल 150 साल पुरानी चीज़ें हैं और जैसे ये पंचक्की लगी हुई है बहुत ही पुरानी, ठीक है। और यहाँ से जो है एग्ज़िट होगा हमारा इस गेट से, यहाँ से जो है एंटर होते हैं। पहले जो है इस वाले पोर्शन में चलते हैं इसलिए कि यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1422 हिजरी में और पानी गिरने का शोर जो है यहाँ पे आ रहा है, कहीं ना कहीं पानी है। ओहो पीछे तो कुआं बना हुआ है और ये देखें पुराने पुराने एग्रीकल्चर के टूल्स हैं जैसे ये यहाँ लिखा हुआ है और ये पुरानी पुरानी केतलियाँ और हैं भी निहास कहते हैं अरबी में पीतल को। और ये देखें पीतल की केतलियाँ हैं इस तरह की और बहुत ही भारी हैं यार ये तो ज़बरदस्त। और ये देखिए ये मिट्टी के गारे के साथ जो है ना ये जो हैं काम करते हैं इस तरह से गोले शोले बना रहे हैं, क्या है ये कुछ मालूम नहीं है लेकिन। और ये देखिए एक जगह और यहाँ से कुएं से पानी आ रहा है और ये पुराना सा फुल लकड़ी का इमामदस्ता। ये सारी जो चीज़ें आप ये सामने देख रहे हैं ये है चक्की पुराने ज़माने की, हाथ की चक्की है ये, हाथ से इसमें पीसा जाता था ऐसे घुमा के। और जितनी भी यहाँ चीज़ें लगी हुई हैं सब वो ग्राइंडर मशीन्स वगैरह हैं पुराने ज़माने की। और ये कीमा पीसने की मशीन, जितनी भी यहाँ मशीनें लगी हुई ना कॉफ़ी की मशीन है ये सामने, ये आ गई कॉफ़ी बनाने की मशीन। आजकल के दौर में आप देखें कितनी लेटेस्ट चीज़ें हैं। अभी हम जा रहे हैं वेपन डिपार्टमेंट में और ये बहुत ही बड़ी बंदूक ये देखिए यहाँ से लेके वहाँ तो होगी तकरीबन 10-12 फीट की तो होगी, ये बहुत ही बड़ी बंदूक है ये वाली जो आपको मैंने दिखाई अभी। और छतें देखें इसकी इस तरह की बनाई हैं इन्होंने, फुल लकड़ियों से इसको बनाया गया है और गैस बत्ती के अंदर जो है ना एलईडी लाइट लगाई हुई, ऐसा लग रहा है कि गैस बत्ती जल रही है। और ये देखें कि पुराने पुराने वेपन्स जिसमें ये देखिए खंजर हैं, ठीक है। और ये पुरानी पुरानी इनके कल्चर की जो हैं ये देखें कितनी बड़ी तलवार। और ये देखिए यमनी हिजाजी दौर के खंजर यहाँ पे मौजूद हैं ये, और ये वो खंजर देखें कितने कितने तेज़ और शार्प हैं बहुत ही पुराने। और ये देखिए बंदूक कितनी पुरानी और ये वाली भी, और ये पता नहीं हिरन के सिंह का कुछ बना हुआ है ये खंजर इसमें डालने के लिए। और ये भी सारी बहुत ही पुरानी पुरानी बंदूक यहाँ पे, ये देखिए वाओ कितनी पुरानी। ये देखिए इस तरह के पुराने इनके ड्रेसेस होते थे और ये इस तरह से खंजर अपने पास लगा के रखते थे, ठीक है। और ये आ गया हाथ धोने के लिए मगसला कहते हैं वॉश बेसन को, और ये है पुराना इनका वॉश बेसन, एक ये पुराना लोटा पीतल का और ये हाथ धोने का सारा सिस्टम। ये वाटर टैप है बहुत ही पुराना। इस डोर के अंदर से इनका पूरा कल्चर, सिटिंग रूम देखते हैं किस तरह का इनका सिटिंग रूम होता था। मरवा बैत मरवा ये कहते हैं पंखे को, हाथ का पंखा है ये। और जो सऊदी कल्चर से देखने का ताल्लुक है उनकी मजलिस जो है ना इस टाइप की होती थी, इस तरह से नीचे बैठने का पूरा सेटअप होता था और चारों साइड पर ये तकिए लगे होते थे। दिखाने का मकसद ये है कि ये ओल्ड जितना भी इनका ज़माना था हम इनका अरब का, वो इस तरह से सिटिंग एरिया अपना ये लिविंग रूम बनाते थे जैसे हमारे ड्राइंग रूम वगैरह हैं, ठीक। वुमेन सिटिंग रूम का जो है इस तरह से सेटअप होता था पहले अरब ज़माने में। और ये है इनका बहुत ही पुराना
कालीन का जो है कल्चर देखें, जिस तरह से इन्होंने लगाए हुए हैं ऊपर, और इस तरह की डिज़ाइनिंग की वगैरह ये करते थे, और इस तरह की ड्रेसेस वगैरह ये सामने जैसे लगे हुए हैं ये पहना करती थी यहाँ की औरतें। और जितने भी यहाँ पे इवेंट्स इनके होते थे पुराने दौर में, वो इसी पतीलों में जो है अपना खाना बना लिया करते थे और है ना साथ बैठ के खाया करते थे। दिखाने का मकसद यह है कि देखें पहले के दौर में कितनी बरकत होती थी मिल बांट के खाने में। और ये आज मैंने देखा यहाँ आके इस म्यूज़ियम में कि इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें और अभी तक मौजूद हैं माशाल्लाह। अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ही खूबसूरत, वो ये है कैप। और ये इस तरह के बैग भी यूज़ करते थे ये, बहुत ही पुराने इतने बड़े बड़े बैग्स हैं जिसमें पानी वगैरह, ये देखें मश्क है, और इसके अंदर पानी भर के लेके जाया जाता था पहले, इसके अंदर पहले के दौर में सब लेदर के हैं। और ये टोटल जो है पूरा लेदर है, ये टोटल जो है पूरा लेदर का सामान है, बहुत ही ओल्ड। ओहो, अब तो मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ ना वो आप देख के खुद सरप्राइज हो जाएंगे। और वुडन प्लेट्स, वो ये देखिए कितनी बड़ी वुडन प्लेट है, फुल लकड़ी की है, एक तनी की बनी हुई है। और खशब कहते हैं लकड़ी को, साहून कहते हैं प्लेट को। यह है कि अकल लिखा हुआ है खाने की वुडन प्लेट। हाँ, ये देखें एक और चीज़, ये है क्रोकोडाइल स्किन, बहुत ही बड़ी है, देखें कितनी ज़बरदस्त स्किन है माशाल्लाह। ये भी देखें संभाल के रखी हुई है स्किन, ये वाली जो स्किन है ना नीचे जो लगी हुई है ये सांप की है। ये देखें कितने बड़े बड़े सांप होते थे और अभी भी होंगे यकीनन। ये है पूरा लाइट सेक्शन जिसके अंदर लैम्प्स हैं जो बत्ती से जलाए जाते थे, नीचे मिट्टी का तेल होता था इनके अंदर। और ये आ गई पुरानी, बहुत ही पुरानी लाइट है। और यहाँ पे देखें ये अपने गैस स्टोव आ गए, और ये आ गई हैं लाइट्स। एक और अहम चीज़ वो ये है कि ये चक्की भी हमारे घर में पहले यूज़ होती थी और हमारी दादी मोहतरमा यूज़ करती थी। ये होती थी अपने एक पहाड़ी पत्थर की, एक नीचे एक ऊपर, ये दो पीस में होती है। और यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका लगा होता है और यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा गेहूँ वगैरह डाला जाता है और यहाँ इसको ऐसे घुमाया जाता है। अब काफ़ी बड़ा एरिया इनका ये देखें, जिसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लाइनअप की हुई हैं, अपना पानी का ड्रम, संदूकें, मजलिस, और पूरा यहाँ की पुरानी मजलिस भी यहाँ पर आ गई है इस तरह के। देखें टेंट में जो रहते थे, ये देखें ये औरत भी जो है चक्की पे बैठी हुई है, और इस तरह का पुराना सेटअप है ये सारा, और अपना चक्की पे आटा वगैरह गूंद रही है। और ये दूसरा सेटअप आ गया है विकर वाइंडर, और पूरा जितना भी ये सेटअप है पूरे हाथ का बना हुआ है। ये देखिए जितनी चीज़ें हैं सब हाथ की बनी हुई हैं और बहुत ही बारीकी के साथ इस पर काम किया गया है, बहुत ही बारीकी के साथ इस पर काम किया गया है। ये आ गए हैं हम पुराने हीटर सिस्टम पे, कि पुराने हीटर इस तरह से होते थे, थाईलैंड्स वगैरह के हीटर हैं इसमें, कुछ जापानी हैं, और ये कुछ कोयले के हैं। और ये देखें ये भी कितना पुराना हीटर है। ये आ गया दीवान सिटिंग रूम और लिविंग रूम, दीवान कहते हैं सिटिंग रूम, लिविंग रूम को, वो ये है इनका। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह फवारा यहाँ पर लगा हुआ है लुक के लिए। और एंट्रेंस में आने के बाद जो है ये देखें इस तरह का पूरा मजलिस सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है चारों साइड पे, जैसे आपको मैंने बताया इनका अरब का ये स्टाइल है। और टेबल्स वगैरह लगी हुई हैं, आप कोई भी मीटिंग्स वगैरह करना चाहते हैं यहाँ पे बैठ के मीटिंग्स वगैरह ये लोग करते थे पहले के दौर में। बहुत ही पुराना बच्चा जो है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अब
अभी जो इन्होंने कहवा लाके दिया था अरबिक, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस म्यूज़ियम में हम इस कहवे को एंजॉय कर रहे हैं, और जिस खलूस के साथ इन बच्चियों ने यहाँ पे लाके दिया कहवा और सारी चीज़ें, टिशू, खजूर, बहुत बहुत मशहूर हैं। ये देखिए पूरा इनका बच्चों का यहाँ पे सेटअप है, और यहाँ पे देखें इन्होंने इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह खूबसूरती के साथ यहाँ पे अपने दुकान को सजाया हुआ है, जिसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, पेप्सी, मिरंडा इस म्यूज़ियम के अंदर, और ये चाय वगैरह का पूरा सेटअप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये देखिए पुरानी फोर्ड 1939 की 39 की है ये, और ये फोर्ड देखिए कितना पुराना मॉडल यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे अख्ताम करता हूँ, इस वजह से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए कि बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह तबारकल्ला। और जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत खुश हो जाएंगे। इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है नेक्स्ट व्लॉग में, तो मिस नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो मैं यहीं पे इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।